गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड से जहां डमरूवाड़ी एरिया में जहां हाल ही में बने आरसीसी रोड का बुरा हाल हो रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। आइए देखते हैं उमरगांव से हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा की ये चिंताजनक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट और न्यूज फर्स्ट से मैं हूँ राकेश मिश्रा। अभी आप लोगों को ये रोड का वीडियो जो हमने दिखाया, ये उमरगांव नगर पालिका क्षेत्र में डमरूवाड़ी एरिया आता है, वहाँ का था। और यहाँ की पब्लिक का कहना है कि लगभग 6-7 महीने पहले ये रोड का निर्माण हुआ है, जो जैसा कि आप देख रहे हैं ये पीसीसी रोड है, मतलब ढलाई किया हुआ है। लेकिन थोड़ा ही बारिश के बाद इस रोड का जो कंडीशन है वो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यहाँ की जनता हमारे सामने खड़े हैं लोग, तो इनसे ही हम जानते हैं कि ये काम को देख करके आप लोगों को कितना संतुष्टि है और क्या लगता है इस रोड का भविष्य, कुछ नहीं आगे कितना दिन तक ये चलेगा? कुछ नहीं भविष्य, कब का भविष्य है? अभी जब ये 4-5 महीना में भर के सब खत्म हो गया तो आगे इसका क्या भविष्य है, इसका काम लोग बताएं। अभी तो थोड़ा ही पानी में इसका, हाँ, इसका काम खत्म है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में आप? रोड तो मतलब देख ही रहे हैं सब, अभी पानी गिरा ही नहीं, बारिश भी हुआ नहीं, तब तक उखड़ के वो किनारे इतने हो गए। आप क्या कहेंगे? मतलब रोड का काम सही नहीं हुआ, अगर सही होता तो इतना जल्दी खराब नहीं होता। अच्छा अच्छा जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, ये यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, इनका कहना है कि ये रोड का काम अगर उचित तरीके से हुआ होता तो ये दशा नहीं होता। 6-7 महीने के अंदर में ही रोड का पूरा गिट्टी जो बाहर हो रहा है, इसके ऊपर जो सीमेंट लगना चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो नहीं लगा है, इसलिए गिट्टी उखड़ रहा है। और थोड़े ही पानी में ये कंडीशन है, तो अभी पूरी बारिश बाकी है, उसमें तो लगता है कि शायद ये रोड आधा गायब हो जाएगा। यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये रोड जो बना है, आप लोगों को खुशी है इस रोड से? नहीं। क्यों? पूरा उखड़ गया है ना। अभी तो ठीक है ना चलने के लिए, बारिश आएगा तो नहीं चलेगा। अच्छा नहीं बना है। तो यहाँ के जो पहले नगर सेवक थे, कौन कौन थे यहाँ के नगर सेवक? तो हम लोग को पता नहीं। अच्छा अच्छा, अभी किसको आप लोगों ने जिताया इधर से? मनोज भाई को। तो आप लोगों ने ये कंप्लेन मनोज भाई को किया है? तो ये रोड मतलब आप लोगों के हिसाब से सही नहीं बना? नहीं बना। देखिए जैसा कि महिलाएं भी हैं हमारे बीच में, और उन लोगों का भी कहना है कि ये रोड उचित नहीं बना है। अब इसमें कितना खर्च हुआ है, फंड क्या है, और उस तरीके से ये काम क्यों नहीं उचित हुआ है, यहाँ के कारपोरेटर मनोज जी हमारे साथ हैं और उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले, आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो आप लोगों ने इससे पहले जो कारपोरेटर थे उनसे इसका कंप्लेन किया क्या कि भाई आपके दरमियान आपके जीते थे और आपके शासन काल के अंदर में ये रोड बना है नहीं, और इसका दशा खराब हो गया, कुछ बात हुआ था इसमें? सर क्या है कि मैं भी 2 महीने के लिए गांव चला गया था। अच्छा अच्छा। और मैं बारिश में मतलब गांव में था तभी इधर बारिश चालू हो गया था, तो जैसे मेरे को 10-12 दिन हो गया आज गाँव से आकर के, तो हमने रोड का कंडीशन देखा तो आज हमने मनोज को कंप्लेंट किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब ये रोड बन रहा था जी, उस टाइम में आप लोग अगर ध्यान दिए होते इसके ऊपर कि भाई ये काम प्रॉपर और बराबर तरीके से नहीं हो रहा, उसी टाइम में ऑब्जेक्शन किए होते, शायद ये नहीं होता। जी जी, पर उसमें हमको नहीं पता चलता था ना कि इसमें कौन सा मटेरियल कितना होना चाहिए, कौन सा मटेरियल कितना डाला जा रहा है, ये चीज हमको जानकारी, हम तो ये 7-8 साल के बाद हमारा रोड बन रहा था तो हम तो उस पर उसको ही देख करके खुश थे। मतलब आप इतने खुश थे कि खुशी में ये भूल गए कि इसमें मटेरियल क्या डाला जा रहा है, कम से कम रोड नहीं था, रोड बना। हाँ, तो हमारा काम तो नहीं था ना चेक करने का। जी, तो हमको तो ऐसा ही खुशी थी कि चलो एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और सबके लिए अच्छा हो रहा है और सबके लिए आगे के लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी बारिश पूरा मतलब ज्यादा चालू भी नहीं हुआ और थोड़ा सा मैं देखी ना वो गिट्टी सीमेंट सब उखड़ करके साइड हो गया। जैसा कि इनका कहना है कि बारिश शुरू होते ही रोड की कंडीशन बिगड़ गई, आप क्या कहना चाहेंगे? सब रास्ता हो गया, सबसे पहले इधर पानी नहीं आया, पानी कुछ इधर कुछ काम ही नहीं आता पानी। अच्छा, हाँ, पानी भी नहीं आता है। पानी जो हम लोग बोरिंग करते हैं वो करते है ना, सबसे गंदा आती है, वो नहाने का ना बर्तन धोने का कुछ काम नहीं आता। पानी सब कुछ कम नहीं था हमारा, तो सबसे मैंने रास्ता छोड़िए पहले पानी कर दीजिए। अच्छा अच्छा, पानी की भी समस्या है, जैसा कि इनका कहना है कि इधर रोड तो ठीक है नहीं था बना, पानी की जटिल समस्या है जिससे लोग जूझ रहे हैं। और अभी आपने जो
यहाँ से कार्पोरेटर पर मीटर उटर सब कुछ है, बाकी जगह सब जगह पानी आया, हमारे उधर ही पानी डिमरी में नहीं है। ये समस्या बहुत पहले से है, आप लोगों ने इसके बारे में कभी यहाँ के जो पहले कार्पोरेटर थे उनसे बार बार सब लेडीज लोग जाती है, सब जाती है, बाकी इधर पानी आता ही नहीं है, हर गली गली में सब जगह पानी है, पानी नहीं इधर है, सबसे मैंने इधर पानी का पाइपलाइन इधर नहीं डाला गया, नहीं डाला गया। आप लोग नहीं, मेरा कहना ये कि आप लोग यहाँ पे जो है, आप पानी का जब लाइन गया है तो पानी का कनेक्शन आप लोगों को नहीं मिला है, आप लोगों ने उसका पेमेंट भरा है क्या, रसीद कटवाया है कुछ? हम लोग के घर पावती भी नहीं है, तो वहाँ नगर पालिका से घर पावती आप लोगों ने बात नहीं किया? बात किया थे लेकिन वो लोग नहीं सुने ना, तो हम लोग सीधा नगर पालिका सब जाती है, एक बार नहीं दो तीन बार सब गए, 50 साल चालू नहीं है। चलिए धन्यवाद। मैं अब यहाँ के कारपोरेटर हमारे साथ हैं जो कि अभी हाल ही में चुनाव हुआ था और यहाँ से जीते हैं, कांग्रेस से पहले भाजपा के लोग यहाँ से जीते थे, और जनता तो कह रही है कि काम हुआ क्योंकि इतना तकलीफ था रोड का, और रोड का निर्माण तो हुआ उन लोगों ने किया, लेकिन बस ऐसा हुआ कि शायद एक दो साल में देखने को भी नहीं मिलेगा कि रोड है था या नहीं था। आप यहाँ से कारपोरेटर हैं और ये रोड का कंडीशन देख रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या पहल करेंगे? अभी रोड की बात तो मैं पहले बोल दूं कि ये रोड लोगों को यहाँ रोड की तो बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और उस विषय में मैंने भी बहुत विरोध किया था इनका कि यहाँ ना रोड की सुविधा, ना गटर की सुविधा, ना पानी की सुविधा, उस चीज के लिए हमेशा मैं लड़ा इनके साथ, हर बार जब ये नगर पालिका गए मैं भी इनके साथ नगर पालिका गया। और रही बात पानी की, अभी जो शैलेश भाई बोल रहे थे पानी के लिए, पानी के लाइन आज इतने सालों से थे यहाँ पे, 10 से 15 साल से ये कॉर्पोरेटर थे जीतते हुए आ रहे थे, आज तक पानी की लाइन ला नहीं पाए यहाँ पे, और एक पाइप भी डाला है अभी इलेक्शन के पहले, 2-4 महीना पहले इन्होंने पाइप डाला था नीचे, ये सिर्फ खाली एक दिखावा था वोट बैंक के लिए, खुद के एक वोट बैंक के लिए एक दिखावा था, मैंने तपास नहीं की अंदर नगर पालिका के अंदर कि यहाँ पानी की इतनी तकलीफ है, रोड मत बनाओ, आप गर्भवती मत दो, उनको लाइट मत दो, पहले पानी दो, जिनकी जीवित वस्तु क्या है, पानी पानी, तो उनको पानी की सुविधा पहले करो। तो उन्होंने पानी के लिए ये अभी नए जो ठहराव में उन्होंने लिया है पानी का लाइन का, तो ये जो पाइप डाला था वो तो खाली दिखावा था कि हमको वोट चाहिए था उनको इनका, तो इसलिए उन्होंने डाल दिया। अब मैंने नया लाइन कहाँ से, पुस्तक बिल्डिंग मेन रोड, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक नया लाइन मैंने पास करवाया, अभी ये समझो नया काम जब भी चालू होगा उस टाइम पे इनको पानी की सुविधा हो जाएगी। बाकी जो इनके पहले जो थे कॉर्पोरेटर यहाँ पे, उन्होंने ये सब रोड के लिए जो भ्रष्टाचार किया वो तो सही बात है, यहाँ एक ही रोड की सवाल नहीं है, यहाँ पे एक ही रोड नहीं, जो मेन रोड बना ये गांधीवाड़ी और डमरूवाड़ी से जो गांधी स्टेशन वाले रोड को जो टच करता उमरगाम संजय, इस एरिया से तो इस एरिया में 4 कॉर्पोरेटर है, एक कॉर्पोरेटर निष्क्रिय है, तो बाकी और कॉर्पोरेटर ने भी पहल नहीं किया, इस एरिया से तो प्रमुख भी थे जीते हुए सब, अगर आप लोग उनके पास भी गए होते तो शायद इसका निपटारा हो जाता था, ऐसा आप लोग गए नहीं क्या कभी? ये जाने को तो हम जाते ही थे, कभी मैं यहाँ पे चुनाव में कभी खड़ा नहीं हुआ, जीता नहीं था, उसके पहले तो हम जाते ही थे, और जब जाने पे वहाँ क्या मिलता था, तू कौन है, ऐसा सवाल मिलता था कि तू कौन है, तू कहाँ रहता है, वो भी नहीं कि आप कहाँ रहते हो, तू कहाँ रहता है, कौन है तू, मैं जानता नहीं हूँ, ठीक है ऑफिस पे आके बात करना, नगर पालिका पे अर्जी देना, तो इलेक्शन के टाइम पे ये सब तो उनको नहीं दिखता है, इलेक्शन के टाइम पे घर घर पे आते तो उस टाइम पे दिखता होगा ना क्या तकलीफ है इनको, करना चाहिए ना, वो मैंने देखा है, लोगों के लिए मैं दौड़ता हूँ आज भी और करता हूँ, जितना मुझसे होता है उतना करता हूँ, ये रोड भी देन मैं 10 बार गया हूँ जाके लिखित में दे के तब जाके यहाँ पे इतना रोड बना, वो भी ऐसा रोड बना कि 4-5 महीना हुआ एक बारिश में टूट गया। चलिए धन्यवाद, जैसा कि ये यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं और इन्होंने बताया कि इस रोड के बारे में भी हम जाके वहाँ पे कंप्लेन किए हैं, और आगे इसके ऊपर हम और जांच बिठाने के लिए कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें क्या कैसे हुआ गड़बड़ जो कि आज ये कंडीशन इसका हुआ है। पहले आज भी नगर पालिका तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में ही है, और ये लोग कांग्रेस से जीते हुए विपक्ष के हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है, जनता का सेवा होना चाहिए, जनता ने जिसको चुन के दिया है उनका फर्ज बनता है कि यहाँ पे उचित कार्रवाई करे जिससे जनता सुखी रहे। तो अभी आप लोगों ने जो ये नज़ारा देखा है, ये डमरूबाड़ी गांधीबाड़ी नगर पालिका क्षेत्र में 3 नंबर वार्ड में आता है, ये डमरूबाड़ी उमरगांव से ये आपका जो ये देख रहे हैं पब्लिक का नाराजगी, ये बहुत ही नाराज है लोग, यहाँ पे उचित काम नहीं हुआ है रोड को लेकर के, पानी की व्यवस्था नहीं की गई है इसके लिए, और मुझे तो यही कहना है कि कम से कम नगर पालिका के लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।